नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल कितनी गर्मी हुई और क्या इसके पिछले साल और उससे पिछले साल और फिर उससे पिछले साल क्या इतनी ही गर्मी हुई थी? इसका उत्तर होगा नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। आप अगर अपने आसपास ही देखें, आपके गाँव में, आपके घर के आसपास कितने पेड़ लगे थे, कितनी बाग थी, और आज क्या हो गया है? आज जो भी बागें थी, यानी हम जब लोग 8-10 साल के थे तब कितने पेड़ पौधे लगे थे, कितनी बागें थी, और आज क्या हो गया है कि आज सारी बागें कट गई हैं, पेड़ पौधे कट गए हैं, घरों के अलावा गांव में और कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से जैसे हमारे गांव में, इस तरह दूसरे के गांव में और भी अन्य जगहों पर पेड़ पौधों की कमी होती जा रही है, जिससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। यानी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जिससे जो गर्मी है वो भी बढ़ रही है और जो वर्षा का पैटर्न है वो भी बदल रहा है। इतना गर्मी हो रही है, अगर हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो ये गर्मी लगातार इसी तरह बढ़ती जाएगी, क्योंकि इस बार 52, 53 और 55 तक के लिए गया है, अगली बार 60 सेंटीग्रेड तक हो जाएगा तो हम लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। और बरसात तो इस बार देख ही रहे हैं कि इतनी बरसात हो रही है, एक साथ में ही सारी बरसात हुई जा रही है। अब बरसात को तो चार महीने होना चाहिए, लेकिन ये तो एक साथ में इतनी बरसात हो जा रही है तो क्या पता पहले होगी, मतलब बाद में होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमें अपने आसपास कुछ वृक्षारोपण करने होंगे। उसके लिए हमें दो तरह के वृक्ष लगाने होंगे, कुछ ऐसे जो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं और कुछ ऐसे जो देर में तैयार होते रहेंगे, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के लिए अगर पौधे लगाते भी हैं तो नीम आम और देसी पौधे इतनी जल्दी तैयार नहीं होंगे। तो उसके लिए हमें बहुत कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के, जो बहुत कम समय में अपनी कैनोपी बना लें, इस तरह के पेड़ लगाने होंगे। तो उसके लिए हमें कदम और सहजन का पेड़ लगाना होगा, और हम पॉपुलर का भी पेड़ लगा सकते हैं। इनको लगाने से हम, और ये पेड़ ऐसे हैं जिन्हें हम अपने मेड़ पे लगा सकते हैं, अपने घर के आसपास लगा सकते हैं और रोड साइड में लगा सकते हैं, जहाँ भी जगह मिले वहाँ पर हम इन्हें लगाया जा सकता है। तो अगर हम इस तरह से पेड़ पौधे लगाएंगे, दो तरह के, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन के और लॉन्ग ड्यूरेशन के, लॉन्ग ड्यूरेशन के पेड़ पौधे अपना कैनोपी बनाते रहेंगे, उनको टाइम लगेगा, तब तक हमें जो है रिकवर करने के लिए सहजन के पेड़ और पॉपुलर और कदम, ये बहुत ही जल्दी, और इनकी छाया भी बहुत अच्छी रहती है और ये सेहत के लिए हानिकारक भी नहीं होते हैं। तो हमें पेड़ पौधे लगाना है ताकि इस जो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही उससे बचा जा सके, और ये जो बरसात का पैटर्न बदल रहा है इसका भी कारण जलवायु परिवर्तन ही है। अगर हम अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमारे आसपास अगर पेड़ पौधे रहेंगे अच्छे खासे तो वहाँ से अच्छी बरसात भी होगी और हम इतनी गर्मी से तृप्त नहीं होंगे और हम अपना जीवन आसानी से काटते रहेंगे, और हमारे जो आसपास के लोग हैं वो भी अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन व्यतीत करेंगे। और हम पहले जैसा तो नहीं ला सकते, लेकिन हाँ कुछ हद तक रोक सकते हैं, और ये धीरे धीरे अगर हमारी तरह, आपकी तरह, जैसे अगर हम आप लोग एक पेड़ लगाएं, दो पेड़ लगाएंगे, इसी तरह से अगर सब लोग करते रहे तो बिल्कुल हम इसे पूरी तरह से समाप्त तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ रोक जरूर पाएंगे। तो आप लोग हमारे बताए गए पेड़ पौधों को लगाएं और जलवायु परिवर्तन को एक लंबी चोट दे सकते हैं।